कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के विधानसभा घेराव का असर दिखाई दिया। कल भोजनावकाश के बाद काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग गन्ना किसानों के बकाया भुगतानों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम हो कि राज्य सरकार किसानों को लेकर बेहद गंभीर है और उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि गन्ना किसानों को सरकार द्वारा तय की गई नई दर से भुगतान किया जाएगा। किसानों ने चाहे नई दर से पूर्व से ही मिलों में अपना गन्ना डाला हो। साथ ही कौशिक ने कहा कि हमारी सरकार जरूरतमंद किसानों को 0% की ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवा रही है। वहीं आज किसानों की आय दुगनी करने के लिए वचनबद्ध भी है। मंत्री ने कहा कि 56 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बकाया है, जिसे सरकार जल्द ही भुगतान करेगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विपक्ष के लोग जिस प्रकार से किसानों के विरोध में बोल रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने उनके हित में कार्य करने का निर्णय लिया है। मीडिया के सवाल पूछे जाने पर कि किसानों की आय आज 2.5 साल बाद भी दुगनी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने आय दुगनी करने का वादा किया था, इस पर मंत्री मदन कौशिक ने तलक में बयान देते हुए मीडिया को कहा कि हमने जो किसानों के लिए किया है, आप उसके बारे में सवाल करो। अब भला कोई मंत्री जी से पूछे कि सवाल तो यही है, जो आपकी सरकार ने वायदे किए थे लेकिन उसे आज तक आपने पूरा नहीं किया है, तो क्या मंत्री जी मीडिया को अपने प्रचारक समझ रहे हैं, जो उनकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ करते रहे? यदि पत्रकारों को प्रचार ही करना हो तो फिर पत्रकारिता किस बात की? आज किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये सरकार प्रयासरत है और विपक्ष को भी हमने कहा कि आप इस रूप में जो आपने 2-3 मांगे आपने कही है, आप उसको किसानों के हित में नहीं, अभी तो किसानों के विरोध में बोल रहे थे, लेकिन हमने हित के कारण उस सारे निर्णय को लिया। जो गन्ना मूल्य परामर्शदात्री समिति है उसकी बैठक हो चुकी है, रिपोर्ट आने के बाद हम गन्ने का मूल्य घोषित करेंगे। जो किसान मिल में गन्ना डाल रहे हैं उन किसानों को भी हमने आज आश्वस्त किया सदन के माध्यम से कि जब भी गन्ना मूल्य घोषित होगा, आपको जिस दिन से आप डाल रहे हैं उसी दिन से वही मूल्य आपको दिया जाएगा, उससे कोई कम नहीं दिया जाएगा। भुगतान की बात हमारे मित्र ने कही, हमने अवगत कराया कि प्राइवेट मिल हमारे पास 3 है। एक लक्सर शुगर मिल है, उसका भुगतान 100% हो गया है, किसानों का कोई बकाया नहीं है। दूसरी हमारी उत्तम शुगर मिल है, उसका भुगतान लगभग बकाया हो गया, किसानों का 15 करोड़ बकाया है, वो जल्दी सबसे मिल जाएगा। जो हमारी कोऑपरेटिव और निगम की शुगर मिल है उन पर सब पर मिलाकर 56 करोड़ रुपए बकाया है, वो भी हम बहुत जल्दी में भुगतान कर रहे हैं, उसको भी किसानों को हमने आश्वस्त किया कि जल्दी हम दे रहे हैं। एक शुगर मिल है जिस पर बकाया है, उस शुगर मिल का हम लोगों ने अभी बैठक ली थी कोऑपरेटिव और पंजाब नेशनल बैंक के हमने अधिकारियों को बुलाया था, 72 करोड़ रुपए का उसको ऋण उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हम लोगों ने की। डालने से आई दुगनी हो जाएगी? नहीं नहीं, हमने कब कहा हम किसानों की 6000 डाले, हमने कहा हम किसानों को अगर उनकी आवश्यकता थी 0% पर ऋण दे रहे हैं, हम उनको ब्याज नहीं लेंगे, हम अगर इंडिविजुअल किसान लेगा 2% पर ऋण देंगे, हम लोगों ने अच्छे बीज उपलब्ध करा रहे हैं, हम लोग आज गन्ने का जो मैंने कहा कि जितनी पैदाश होती थी हमने जो उसको बदला है, बीज दूसरा लाए हैं, उससे दुगनी पैदावार हो रही है। हम लोगों ने पूरे राज्य के अंदर पूरा इस आधार पर ऑर्गेनिक खेती हो इससे होगी, जो हमने सारे एक एक करके सुधार करते जा रहे हैं उससे दुगनी करेंगे। तो क्या 2.5 साल में क्यों नहीं हो भाई, आप बताइए। हाँ तो हुई है ना, बड़ी है ना, किसान हमारे यहाँ खुशहाल है। आप मुझसे वो पूछिए जो हमने किया है, आप उस रूप में जानिए कि ये हमारा केवल संकल्प ही नहीं है, प्रतिज्ञा ही नहीं है, अभी तो आप निश्चित मानिए 2022 तक किसानों की आय को दुगना हम लोग करेंगे। श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।